हमें तुमसे प्यार कितना टाइटल ट्रैक सुनी है आपने? फर्स्ट जो रीमेक बनी है इट्स अ क्लासिक सॉन्ग एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी इज लविंग इट. श्रेया घोषाल इज सिंगिंग इट. एंड सोनू निगम जी. एंड सोनू निगम. जयपुर के बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो जयपुर बहुत अच्छा है. इट्स माय थर्ड टाइम एंड बेस्ट पार्ट अबाउट जयपुर इज द फूड. मोटी हो गया भाई, जब भी आती है पतली आती है मोटी हो के जाती है. खाना बहुत अच्छा है यहाँ का और आई मीन इवन द फील या द एंशियंट वाइब द पैलेस जस्ट द होल रॉयल फील ऑफ जयपुर आई रियली लव इट. किस तरह का एक्सपीरियंस था आपको मूवी में टीचर और स्टूडेंट के बीच? अरे यार मैं तो एक स्माइल आ गई सवाल पूछते ही. हाँ कैसा रहा भाई? मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा कि टीचर इतनी खूबसूरत हो तो किसी का भी दिल आ जाए. और सिर्फ मैं नहीं था, बहुत सारे भी हैं यहाँ पे. तो इट्स बीन अ चैलेंज बट इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी. ये फिल्म बनाते हुए, फिल्म में काम करते हुए, जैसे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे पिक्चर बन के निकली है, जैसे गाने, जैसे लोकेशन, मतलब सब जिस जितना मैं इस फिल्म के बारे में कहूँ नेचुरली बिकॉज ये मेरी फिल्म है तो आई एम वेरी possessive about it, or not obsessive, but possessive. obsessive, मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया. So just keeping our fingers crossed, 5 जुलाई का इंतज़ार है, बेसब्री से इंतज़ार है. अच्छा, हम आप जोधपुर से आते हैं तो जोधपुर शहर के बारे में क्या कहना चाहिए? जोधपुर के बारे में कही कहूँ? हाँ जी, हमारा दिल जोधपुर में मौन है. वो हमारी एक धर्म भूमि वाया और कर्म भूमि हमारी बॉम्बे है, मुंबई है. सो जोधपुर सिंस आई वाज बॉर्न देयर, यू नो, एंड My nani, my nana, my mama has come down from Jodhpur just to be here. So it's been, जब लोग बोलते अरे जोधपुर, तो मेरा एकदम गर्व से मेरा सीना चौड़ा ऐसे दो बटन और खुल जाते हैं मेरे. हाँ मैं भी जोधपुर से हूँ. ठीक है. ऐसे जो सीरीज वाला दौर आया उस दौर में आपने रिस्क उठाया, क्या कहना चाहेंगे? भाई अगर रिस्क नहीं उठाएंगे तो फिर आगे लाइफ में बढ़ेंगे कैसे? नहीं तो भैया वो कम्प्लेसेंसी होती है ना कि आप बस बैठ ही जाओ, पैसे आ रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, लोग तारीफ करें, बस अब ऐसे ही पूरी लाइफ गुजारो, उसमें कोई मज़ा नहीं है. आप अपने आप को चैलेंज दो, अपने आप को रीइन्वेंट करो. आप हर समय अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर खड़ा करो कि आप खुद यू नो एक डर सा लगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तभी वो जीने का मज़ा है. वरना वो था एक 100 वोल्ट का करंट जो आपने देखा, अब जाएगा 440 वोल्ट का हार्डकोर करंट लगेगा. गाने भी इसमें बहुत अच्छे लगे. कहाँ लोकेशन, कहाँ शूट किया इसको? भाई शूटिंग तो हमने नहीं अरे बाबा बोलना पड़ेगा, बिकॉज हमने बहुत लोकेशन हंटिंग की है. हमने बहुत ज़्यादा वी वेंट
हम लोगों ने पहले कहा अपन पहले धर्मशाला गए थे लोकेशन में लोकेशन ढूंढने के लिए, फिर कहाँ गए थे अपन ऊपर नहीं हम लोगों ने एक्चुअली धर्मशाला पूरा का पूरा बेल्ट पहले छाना, शिमला गए थे, शिमला गए हम लोग, फिर और ऊपर एक जगह है नाम भूल गया, वहाँ पे बर्फी शूट हुई थी, वहाँ पर बहुत जगह गए थे, लेकिन जो जो लोकेशन हमें मनाली में मिली, जो सिक्किम में मिली, और बाय गॉड मतलब आई थिंक लोग स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं सीरियसली, सिक्किम मनाली दोनों बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। ये कुदरत फिल्म का जो गाना है उसको आपने टाइटल बनाया, इसके पीछे क्या? हम लोग फिल्म का पैकअप करके आ रहे थे, शूटिंग खत्म हुई थी उस दिन की, और गाड़ी में हम लोग गाने सुन रहे थे, तो वहाँ पर ये गाना चल रहा था और उसमें एक लाइन आती है गाने के अंदर कि तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है, तो वो यही किरदार था। वहाँ से केवी ने मुझे एक लुक दिया और हमें क्लिक किया कि हमें तुमसे प्यार कितना, किस हद तक कोई जा सकता है, तो इसको टाइटल बनाया। और फिर एक दिन केवी ने कॉल मुझे कॉल किया और ये बताया कि हम लोग ये ट्रिब्यूट करेंगे किशोर दा को, तो साथ साथ फिर श्रेया घोषाल जी ऑन बोर्ड आ गए हैं, सोनू निगम जी ऑन बोर्ड आ गए हैं, तो हम लोग एक अच्छा ट्रिब्यूट भी करने वाले किशोर दा को, तो इस तरीके से उसका नाम और वो गाना हम लोग को मिला। और नेहा कक्कर और टोनी कक्कर ने जो गाना गाया जी जी, उसके बारे में मेरे को ना ये फिल्म की खासियत है इसकी म्यूज़िक, नो डाउट स्टोरी कमाल है, नो डाउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छे किए हुए एक्टर्स ने, लोकेशन कमाल की है, सिनेमाटोग्राफी ब्यूटीफुल है, लेकिन इसका जो सोल है ना, जो हमें सबसे पहले पता था कि यार हम सब तो सही कर लेंगे, गाने धमाकेदार होने चाहिए सीरियसली, बिकॉज दैट उससे ही लोगों को एक अट्रैक्शन होती है सबसे पहले। और क्या कहूँ यार, यू नो टोनी कक्कर नेहा कक्कर का गाना है, श्रेया घोषाल सोनू जी का गाना है, मीका पाजी और कनिका कपूर इक्का पाजी का जो पार्टी नंबर है, जुबिन नौटियाल का जो गाना है अभी जो निकलने वाला है, सो इट्स अ फुल पैकेज। दिस जैसे यशराज का जो बैनर होता है ना, हर उनकी फिल्म एक पैकेज होती है, हमें लगता है ऐसा ही कुछ है। हाँ नहीं 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 मैंने नहीं, ये है कि ये प्रोडक्शन का नाम है बेलवी प्रोडक्शंस, और बेलवी मेरी दोनों बच्चियों का नाम है, बेला और वियना, तो दोनों को जोड़ के बेलवी बना है। तो ये फिल्म का नाम है हमें तुमसे प्यार कितना, 5 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, और इस फिल्म में प्रिया बनर्जी जो है शी प्लेज रोल ऑफ अनन्या, वो इज एन ऑथर, क्लासी ऑथर, क्लासी टीचर, टीचर है, और मैं उनका शिष्य हूँ। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कैसा रिलेशनशिप रहा होगा एक टीचर का और एक शिष्य का, वेरी डेडिकेटेड। क्या है ना कि शिष्य कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, बस अपने सपनों में खोए रहते हैं, तो हमें भी ऐसे सपने वाले गाने डालने पड़े टीचर के साथ। वॉयलेंस भी दिखाया इसमें। हाँ वो बिकॉज वो किरदार उसका ऐसा, आई गिव हिम द रॉन्ग मार्क्स, मुझे मार्क्स बड़े गंदे दिए नहीं, ये भी मारती है, ऐसा नहीं कि नहीं मारती, ये भी मारती है, ये भी अटैक करती है, तो बेसिकली वो किरदार ही वैसा है, ही इज जब वो हद पार कर लेता है, ओके, और हद पार करना इज एक्सट्रीमिस्ट, सो आई बिलीव आपको ना थोड़ा बीच में रहना चाहिए, इतना भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए कि आप पागल हो जाओ, सो या। और 5 जुलाई को हो रही है पिक्चर रिलीज़, और आपको इस पिक्चर में जैसे कि इन्होंने बहुत बार कहती है, मुझे आई टोटली अग्री दैट दिस मूवी इज जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट, इट्स जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट, देयर आर गुड सॉन्ग्स, गुड स्टोरी लाइन, गुड एक्टर्स, गुड लोकेशंस, एवरीथिंग इज ग्रेट, एंड इट्स प्रॉपर एंटरटेनमेंट, सो गो वॉच इट, 5th of July इट्स रिलीजिंग। Hi, this is Karanvir Bohra and I'm here at Sizzling Scissors, and I gotta tell you that this place is sizzling hot. I never expected that this place would be so huge. मैंने जब फोटो देखी थी गूगल पर, तो ऑफ कोर्स अब सर्च के कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, मुझे दरवाज़ा देखा, हाँ ये अच्छा है, अच्छा सही लगा, अंदर आके देखा तो महल, अरे जयपुर की खासियत है सब चीज़ें महल टाइप ही लगती हैं यहाँ पर, रियली आई थिंक अ लॉट ऑफ सलून्स इन बॉम्बे विल हैव टू अप देयर ऑन्ट है बिकॉज ऑफ दिस, उन्होंने कहा था भाई ऐसा कुछ करो तो फिर बात बने, वरना सब एक छोटे मोटे खुट्टे में आप करो और सुनते रहेंगे, हमको तो पिक्चर वीडियो तो चाहिए। मैं इधर ही है ना, यहाँ पे
बेइंतहा बेशुमार बेशुमार बेहद बेहद मेरी मोहब्बत के लिए बहुत छोटे हैं ये लफ्ज़। क्या बात है।